21 दिसंबर को हुए सोने किन्नर हत्या मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देकर टेम्पो से जा रहा था। इस दौरान किन्नर उस टेम्पो से नहीं उतरने की जिद कर रहा था। इस बीच बदमाशों ने गोली चला दी जिससे किन्नर की मौत हो गई। एक घटना हुई थी जिसमें एक ट्रांसजेंडर पर्सन को रोड पे डेड बॉडी उनका पाया गया था, जिसके बाद हम लोग उसमें अनुसंधान के क्रम में ये सामने आया है कि इसमें जो घटना कारित करने वाले लड़के हैं वो दो लड़के हैं, और दोनों लड़के जो हैं उनका आपराधिक इतिहास पता चल रहा है कि पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है। उनमें से एक लड़के को पुलिस ने जो है अपनी हिरासत में लिया है, जिसके क्रम में पूछताछ के क्रम में और जो है रेड्स के क्रम में हमारे पास रिकवरी हुई है, जिसमें इन्होंने जो पहले एकदम घटना के पहले दो घटनाएं इन्होंने कर चुके थे ऑलरेडी। एक सुबह सुबह ये शालीमार स्वीट के पास एक ऑफिस में इन्होंने गृह वेतन करके उस ऑफिस में इन्होंने चोरी की थी, जिसमें लैपटॉप, उनके चेकबुक्स, मोबाइल, पेन ड्राइव्स इत्यादि ऐसी चीज़ें जो हैं और कुछ कैश बताया जा रहा है वो इन्होंने चोरी किया था। एक बैग में सारा कुछ डाल के ये ले गए थे। उसके बाद ये रोड पे आए दोनों लड़के, रोड के आके इन्होंने लूट की घटना को अंजाम दिया। उसमें इन्होंने एक अंगूठी, सोने का चेन, लगभग 5,000 रुपया और चोरी में एक मोबाइल, लूट में एक मोबाइल इन्होंने एडिशनली चुराया पहले एक ऑटो को रोक के। उसके बाद जस्ट उसके विद इन फ्यू सेकेंड्स या फ्यू मिनट्स इन्होंने सेकेंड ऑटो रोका। इनका प्लान था हम लोग जाएंगे राजेंद्र नगर की तरफ और वहां जाके ये अपना नेक्स्ट टारगेट ढूंढेंगे। उसी क्रम में जो है एक ऑटो आया जिसमें दो व्यक्ति बैठे हुए थे पीछे, इन्होंने उनको खाली करने के लिए कहा। एक व्यक्ति तो वहां से भाग गया, लेकिन जो ट्रांसजेंडर बैठे हुए थे वो इनके साथ झड़प कर गए कि हम लोग नहीं उतरेंगे। उसी झड़प में इनकी जो है तू तू मैं हुई, भैंसा भैंसी हुई और इनमें से जो एक था, दोनों थे मतलब, ये इन्होंने गोली चला दी जिसके चलते उनकी एकदम से डेथ हो गई और ये लोग वहाँ से भागे। उसके बाद पुलिस ने जो है एक्शन करते हुए, अनुसंधान करते हुए तकनीकी और वैज्ञानिक तौर पर इनमें से एक लड़के को अपनी हिरासत में लिया हुआ है और बाकी के लिए जो है इन्वेस्टिगेशन ऑन है। एक लड़का और है, उसको हम लोग रेड्स कर रहे हैं, छापेमारी कर रहे हैं, वो भी पकड़ा जाएगा। ऑटो भी बरामद नहीं हुई है। क्या बोल रहे हैं, ऑटो ने, ऑटो तो चालक था ना जो इन्होंने अपराध किया था, जिस वेपन से मारा था वो वेपन हमारे पास बरामद हो गया है। जो गोली, जो एक लाइव इनके पास एक एम्युनिशन है वो बरामद हो गया है। अपराधी की इतिहास है, दोनों लड़कों का है। एक लड़का तो अभी रिसेंटली जो जिसको हम लोग पकड़े हैं, ये 18 दिसंबर 2021 को ये छूटा है जेल से, ऐसा बता रहा है, बेउर जेल से छूट के आया। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कॉमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।